देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। डाला छठ के पावन पर्व पर जिला मऊ का हर कोना प्रफुल्लित हो चला था। गांव गिराव से लेकर शहर बाजार हफ्ता भर गुलजार रहा। नदी नालों, जलाशयों, पोखरों, तालाबों पर रंग बिरंगी सजावट एक अलग ही माहौल बनाए हुए था। पूरी रात नदी के घाटों, जलाशयों के किनारे देवी गीत भजन का कार्यक्रम चलता रहा। इस ठंडक के मौसम में भी श्रद्धालु पूरी रात वहीं रहे। सुबह होते ही रंग बिरंगी परिधानों से सजी महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। कुछ देर तक तो लगा कि सनातनी व्यवस्था का धर्म ध्वजा इन महिलाओं के इशारे पर फहरता है। माथे पर कई तरह की फलों से भरी दौरी, उसके ऊपर जगमगाते दीपक, देवी गीतों की स्वर लहरियों को बिखेरती बालाएं, हजारों की भीड़। लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली व्यवस्था, न कहीं आगे जाने की होड़ नहीं और न ही कोई टकराव और न ही अप्रिय घटना। मानो प्रकृति ने सिस्टम को संभाल रखा हो। ये पूजा हर साल होता है या छठ की पूजा में किसका पूजा होता है? सूर्य भगवान की पूजा होती है। ये इतने वक्त चले होगी, सुबह भी होगी। आपका परिचय? शंकर मदेसिया नाम है, प्रतिनिधि माधुरी मदेसिया। यहाँ सुबह आप क्या कर रहे हैं पोखरे पर? सबसे सबकी हार्दिक बधाई दे रहे हैं, सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। ये कैसा व्रत है? ये सूर्य व्रत है। सभी माताएं और बहनें यहाँ पे व्रत रहती हैं। बहनें अपने नैहर में रहती हैं, आती हैं एक बार साल में, एक बार किसी तरह टाइम निकाल के आती हैं त्यौहार का एक बार। यहाँ की व्यवस्था आप द्वारा की गई है? सब साफ सफाई और लाइट की व्यवस्था की गई है। कुछ कमियां रह गई हैं, उसको अगले बार पूरा कर लिया। जैसे सूर्यदेव लालिमा बिखेरते हुए मुस्कुराते हुए इस पावन धरा को स्पर्श करने को लालायित आगे बढ़ रहे हैं। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता जगदीश सिंह की रिपोर्ट। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।